हेलो एवरीवन, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैडम राइसा बस। ये मैडम राइसा बस ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं और ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। इसमें एक 8 साल की बालिका है, बच्ची है, छोटी लड़की, जिसके फर्स्ट बस जर्नी के बारे में बताया है। और जब वो पहली बार अपने गांव से बाहर जाती है तो उसको कैसे कैसे अनुभव वहां पर होते हैं, यह इसमें दिखाया है। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वहां पर वो अपनी मौत के बारे में भी समझती है और इतनी छोटी सी लड़की का इस तरह से जो बाहर की उसकी यात्रा है, यहाँ पर उसका काफ़ी अच्छा, अद्भुत जिसे हम कह सकते हैं, वर्णन किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप लास्ट तक इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हो चैनल पर। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वली माय हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। एक लड़की है यहाँ पर जिसका नाम शॉर्ट में वली है और वली माय नाम है उसका, और छोटी सी बच्ची है, 8 साल की है। और कैसी है वो? क्यूरियस है, हर चीज़ के बारे में उसे क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है। उसका फेवरेट पास टाइम क्या है कि वो अपने घर के डोरवे पे खड़ी रहती है और वॉचिंग व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, हमेशा अपनी गली में देखती रहती है कि क्या हो रहा है। देयर आर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, उसके साथ वाले बच्चे नहीं हैं और गली में कोई उसके साथ का बच्चा भी नहीं है। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, बस उसके पास यही काम रह जाता है कि वो गली में खड़े होकर के बाहर की चीज़ें देखती रहती है, जैसा कि आप सब भी कभी किया करते होंगे। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रेन प्लेड, उसके लिए किसी भी गेम से भी अच्छा है ये, जो बच्चे खेलते हैं उस गेम से अच्छा है कि वो गली में खड़ी होकर के अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस करती रहती है, अनयूजुअल एक्सपीरियंस करती रहती है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, मोस्ट फैसिनेटिंग क्या है यहाँ पर, ये है कि ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव में बस आती है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, उसके घर के पास से हर घंटे एक बस जाती है और वो बस जो है उसके टाउन, जो पास वाला टाउन है वहाँ पर जाती है, वहाँ से वापस भी आती है और हर बार उसमें कुछ नए पैसेंजर्स होते हैं। और यही वाली के लिए अनएंडिंग जॉय होता है, उसे देख दिन भर वही देखना। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, उसे दिखाई देती रहती है बस, रोज देखती है। एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ही एंड ग्रू देयर, उसके मन में एक विश होती है कि मैं इसमें राइड करूं। क्या विश है? कि मैं बस में राइड करूं। आपने अपनी पहली राइड कब की होगी? आप भी सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी पहली बस की यात्रा कैसी थी और आपने पहली जो यात्रा की थी वो बस से की थी या ट्रेन से की थी या किसी और चीज से की थी। इवन इफ जस्ट वंस दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेमिंग डिज़ायर, उसकी इच्छा बन चुकी थी, उसकी ओवरवेमिंग डिज़ायर बन चुकी थी कि वो एक दिन इसमें ट्रेवल करे बस में। वाली वुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट अ स्ट्रीट कॉर्नर। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, एक दिन उसके किसी फ्रेंड ने वहाँ की ट्रेवलिंग की और उसके सामने डिस्क्राइब कर दिया कि बाहर जाकर हमें क्या क्या फील होता है, तो वाली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड। उसे जेलस फील हुआ जब उसने सुना कि कैसे उसका फ्रेंड वहाँ की यात्रा करके आया है। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। प्राउड का मीनिंग नहीं पता था लेकिन हमेशा इसे यूज करते थे अपनी भाषा में।
Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. जो लोग बार 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 बस में जाते थे उनकी बातें वह सुना करती थी. उसके पड़ोसी जो थे उनकी बात सुना करती थी. एंड शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस. उस कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिया करती थी, केयरफुल क्वेश्चंस भी पूछ लिया करती थी, हियर एंड देयर, इधर उधर पूछ करके पूछताछ वो करती रहती थी. जैसा कि आम तौर पर क्यूरियस जो बच्चे होते हैं उनकी हैबिट्स में ये होता है कि वो लोगों से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं. आपकी भी कभी इतनी छोटी उम्र में क्यूरियोसिटी रही होगी, तो मैं ऐसा सोचती हूँ, तो आप बताना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में. दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. और इस तरीके से उसने जो बिल्कुल छोटी से छोटी डिटेल्स भी होती हैं वो सब इकट्ठे कर लिए थे. द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. कितना था? 6 मील दूर था उसका गांव से. द फेयर वाज 30 paise. कितना फेयर था वहां का? 30 paise एक बार का. विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी ये. सी हार्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बाटू वाली हू स्केयर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड ए फॉर्च्यून. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes. वहाँ पर जाने में 45 minutes लगा करते थे. ऑन रीचिंग टाउन, जब टाउन पहुँच जाते थे, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 paise, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. वो उसी बस में आ सकती थी. दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45. ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड. उसने सोचा, काफी सोचा, प्लान भी किया, रिप्लान भी किया. वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस एंड ए टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली. छोटी सी बच्ची हाथ हिला करके बस को रुकवा रही थी. ये कौन था? ये थी हमारी छोटी सी वल्ली. इस तरह से जो बस को रोकने के लिए कहा जा रहा था वो कौन है? वो है हमारी वली. वली बस को रोकने के लिए कह रही है कि बस रोको, बस रोको. तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं, एक टाइम ऐसा आ ही गया जब वो एक दिन बस के सामने गई और बस को रोकने के लिए कहा, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. The bus slowed down to a crawl and the conductor sticking his head out the door said, hurry then, tell whoever is to come quickly. आ जाइए, बताइए कौन है. It is me, उसने कहा. I am the one who has to get on. मुझे आना है बस में. By now the bus had come to a stop and the conductor said, oh really, you don't say so. उसने कहा कि अरे तुमने ये कहा. यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन. मुझे टाउन जाना है, उसने कहा. और हियर इज माई मनी, उसने पैसे भी दिए, कुछ सिक्के दिखाए. ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. लेकिन तुम पहले बस में आ जाओ. और उसने अपना हाथ बढ़ाया बस में उसे बैठाने के लिए. नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ. By myself मैं खुद ही आ सकती हूँ यहाँ बस में. You don't have to help me. आपको मुझे help करने की need नहीं है. The conductor was a jolly sort, fond of joking. वो थोड़ा मजाकिया टाइप का बंदा था. तो वो बोलता है कि oh please don't be angry with me. मुझसे नाराज मत हो my fine ma'am. He said, here have a seat right up there in front. Everybody move aside please. Make way for madam. उसने मजाक के मूड में कहा कि मैडम के लिए थोड़ी सी जगह बना दीजिए, सब साइड हो जाइए. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 passengers ऑन द बस. दे वर ऑल लुकिंग एट वाली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर.
वाली वाज ओवरकम विद शाइनेस अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज सी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन. वो एक खाली सीट पर जा कर के बैठ गई. काफ़ी यहाँ पर स्लैक टाइम का मीनिंग क्या है कि जब काफ़ी काम नहीं था, यानी ज़्यादा लोग नहीं थे बस में, तो स्लैक टाइम उसे कहा जाता है. ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से वो कंडक्टर से बात कर रही है. मे वी स्टार्ट नाउ मैम, द कंडक्टर आस्क स्माइलिंग. देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर. और उसने दो बार अपनी व्हिसल को बजाया और इस प्रकार से बस चल पड़ी. इट वॉज ए न्यू बस. इट आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद बोथ ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स. एक वाइट बस थी जिसके दोनों ओर ग्रीन स्ट्रिप्स जो हैं वो बनाई गई थी. इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर. उसके अंदर भी काफ़ी चमक थी सिल्वर की तरह की. और डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली अबव द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक. वहाँ पर एक क्लॉक भी लगी हुई थी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस. सीट्स भी काफ़ी सॉफ्ट थी और काफ़ी लग्जरियस भी थी. वाली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आईज. उसने हर चीज़ को देखा, घूर करके उसने देखा. बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. उसके शीशे पर कुछ ब्लाइंड सा लगा हुआ था, तो वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई बाहर देखने के लिए. द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल. एक कैनाल के पास से गुजर रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो. रोड काफ़ी नैरो थी. ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज. वहाँ पर उसने पाम ट्रीज देखे, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई. और उसे माउंटेन्स भी दिखे, नीला आकाश भी दिखाई दिया. ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स. काफ़ी सारे उसने हरे भरे खेत देखे. ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी. जो जहाँ तक भी उसकी आंखें देख सकती थी, सभी जगह ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा था. ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल. काफ़ी वंडरफुल चीज़ें उसे दिखाई दे रही थी. सडनली शी स्टार्टेड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. किसी ने कहा कि आप ऐसे खड़े मत हो, बैठ जाओ. सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. एक मैन था, एल्डरली यानी थोड़ा बुजुर्ग मैन था, बंदा था जिसने उसे बैठने के लिए कहा. देर इज नॉबडी हियर हु इज़ ए चाइल्ड. उसने कहा कि हाँ बच्चा कोई नहीं है, मैंने भी 30 पैसे दिए हैं. तब कंडक्टर ने कहा, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैम. ये तो बहुत बड़ी है, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, मजाक के मूड में उसने फिर से कहा. अब उसे थोड़ी वो एंग्री फील करने लगी कंडक्टर से, तो उसने कहा कि आई एम नॉट ए मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी ए टिकट. मुझे एक आपने मेरी टिकट भी नहीं दी है. तो कंडक्टर कहता है हाँ मुझे याद है, मिमिकिंग करता है, उसकी कॉपी करता है, तो एक उसे टिकट दे देता है. बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल. तब वो कहता है कि तुम सीट पर खड़ी हो जाओगी तो गिर जाओगी और इससे तुम्हें चोट लग जाएगी. तब वे कहती है कि मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की लड़की हूँ. ऑफकोर्स ऑफकोर्स उसने कहा, 8 ईयर्स. द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन. कोई नई पैसेंजर्स उसमें आए और पहले वाले बाहर चले गए. वाली यहाँ पर बैठ जाती है. एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर. आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वाली एज द बस स्टार्टेड अगेन. जैसे ही बस चली तो उसने पूछा कि क्या तुम अकेली हो. तो उसने, उसको पसंद नहीं आई वो महिला. रिपल्सिव यानी कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. सच बिग होल सी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम. उसके कान में कुछ बड़े छेद थे और उसमें उसने बुरे से ईयर रिंग्स पहने हुए थे. सी कुड स्मेल द बीटल नट. द वुमन वॉज चीविंग. उसने पान चबा रखा था तो उसे कुछ पसंद नहीं आया. और तो उसने बोला कि यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, मैं अकेली हूँ. फिर यस सी हैज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर.
वो टाउन जा रही है, उसने 30 पैसे के टिकट लिया है, वो फिर से उसे मजाक करता है, ओ भाई भाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। तब उसने कहा कि अपना काम कर लो आप, वो फिर यहाँ पर थोड़ा चिढ़ जाती है, बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, फिर वो थोड़ा हंस भी देती है, बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन हर विद हर ड्राइव, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या अकेले यात्रा करना ठीक है? तो उसने कहा कि आप मेरी चिंता मत करो। Her first journey was careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. उसने अपने काफ़ी सारे जो खर्चे थे उससे बचा करके, सभी चीज़ों से बचा करके, अपने पेपरमेंट की गोलियों से टॉय नहीं खरीदा, तब उसने ये 60 पैसे इकट्ठा किए थे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट सी हैड रिज़ोल्यूटली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो सी हैड द मनी। उसने अपनी इस इच्छा को भी दबा दिया, अपने वो झूले पर भी नहीं झूली मेले में, ताकि उसके पैसे बच जाएं। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसके बहुत सारे पैसे बच गए, तो हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, कि घर से कैसे जाए ताकि माँ को पता ना चले। लेकिन वो ऐसे तैसे करके घर से बाहर आ जाती है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, एक बेयर लैंडस्केप पे बस जा रही है, और यहाँ पर ये देखिए, Now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop, sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. कभी कभी लगता था कि बस जो है सामने आने वाले व्हीकल से टकरा जाएगी, या कोई पैदल चल रहा है उससे टकरा जाएगी। But lo, somehow it passed on smoothly, कई बार यह आराम से चलती थी, और कई बार ऐसा लगता था कि ये टकरा जाएगी। रास्ते में पेड़ भी आते हैं, और केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ऐसा लग रहा था कि जो ट्रीज हैं वो उनकी ओर आ रहे हैं। सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, वह खुशी से चिल्लाती है, वह यहाँ पर चिल्ला रही है। ए यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट, एक गाय बहुत तेजी से भागती हुई आती है, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, वो सड़क के बीचों बीच होती है, और सामने होती है बस की। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, एक आवाज़ के साथ बस रुक जाती है, एंड द ड्राइवर साउंडेड हर हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, फिर वो बार बार हॉर्न को बजाता है। लेकिन इस तरह से एक जो गाय आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे बस के सामने आ चुकी है, और अचानक से जो उसने जो ब्रेक लगाए हैं। सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वाली, शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज, वो इतना हंसती है कि उसकी आंखों में पानी आने लग जाता है। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड दैट कंडक्टर, वो कहता है कि तुम हंस ली क्या, काफ़ी हंस ली तुम, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी तो कोई हंसी बचा करके रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, फिर काऊ जो है वो रोड से हट जाती है, और इस तरह से बस फिर से चल देती है। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट, फिर उसे एक ट्रेन दिखाई देती है जो पास पास आ रही होती है, और एक आवाज़ के साथ वहाँ से भी ट्रेन निकल जाती है। देन द बस वेंट एंड पास द ट्रेन स्टेशन, इस प्रकार से वो एक ट्रेन के स्टेशन से बस जो है पास हो जाती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थ्रो फेयर सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, एक मेले में वो पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स उन्हें दिखाई देती हैं। स्टक डम विद वंडर वाली गैप्ड एवरी थिंग, देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरी वन गो गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, वली को छोड़ करके सब बाहर चले जाते हैं। कंडक्टर कहता है कि क्या तुम यहाँ पर नहीं उतरोगी? नो, उसने कहा नहीं, मैं तो इसी में वापस जाऊँगी। तो फिर वो कहता है कि क्यों, क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे को तो बस में राइड करना था तो मैं यहाँ पर आ गई थी।
तो कहते हैं कि डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइट्स, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी यहाँ पर क्या है? तो कहती है ये मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें बस में आने में तो डर नहीं लगा, अब तुम यहाँ उतरने में क्यों डर रही हो? तो कहती है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, उसमें तो कोई बात नहीं थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, वहाँ पर जा कर के कुछ पी लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट अबाउट दैट आइदर, उसमें डरने का कुछ है नहीं। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, तो वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। नो नो सी सेड फर्मली, वो कहते हैं कि आप जाओ ले लो, लेकिन वो मना कर देती है। और इस तरह से वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें सर्च नहीं कर रही होगी, तलाश नहीं कर रही होगी? नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, मेरे मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा। अब यहाँ पर द बस स्टार्टेड, फिर से बस चलती है। वाले वाजेंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, अब उसने हर चीज़ को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से देखा और काफ़ी इंजॉय किया अपना जो टाइम था बस में जर्नी का। बट सडनली सी सॉ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, फिर उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है गाय का जो साइड में रोड साइड में गिरा हुआ है और डेड है। अब यहाँ पर उसके एक अलग ही, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी मूविंग व्हीकल के आगे आ चुका है और उसे मारा गया, मतलब टकराहट से वो मर गया। Isn't that the same cow that ran in front of the bus? अब उसे लगता है कि ये वही बस के आगे जो cow थी उसने देखा था वही है। तो वो कंडक्टर से पूछती है तो कंडक्टर सिर हिलाता है and she was overcome with sadness, और वो उसे दुख होता है काफ़ी। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago here now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. अभी थोड़ी देर पहले जिस गाय पर वो खिलखिलाकर हंस रही थी, अब वो बिल्कुल यहाँ उसके सामने उसे मरी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ दोनों चीज़ें एक साथ उसके साथ होती हैं और दोनों को फील कर रही है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेडिगल्ड एंड ए फिक्स्ड देयर्स स्टेयर इन इट लाइफलेस आईज ब्लड ऑल ओवर, और सारे उसकी जो पैर थे वो स्प्रेड आउट हो चुके थे क्योंकि अब उसे टक्कर लग चुकी थी और चारों तरफ खून फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, उसे बहुत बुरा लग रहा था, बार बार उसके माइंड को हॉन्ट कर रही थी उसकी बैड मेमोरी जो थी, वो उसे बहुत परेशान कर रही थी, रिपीटेडली वो उसके माइंड में आ रही थी, डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, और उसका उत्साह जो था वो कम होता जा रहा था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसका बाहर देखने का मन भी नहीं कर रहा था। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40 पे गाँव में बस पहुँच गई और वो अपनी सीट से चिपकी रही। शी स्टूड अप एंड स्टेज हर सेल्फ देन शी टर्न टू द कंडक्टर, उस कंडक्टर की तरफ जाती है, कहती है कि आशा करती हूँ मैं आपसे फिर मिलूंगी। कंडक्टर कहता है ओके, वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड जॉइन अस, तुम्हें लगे कि बस में राइड करना है तो आओ और फिर कभी हमारे साथ चलो। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसती है और बस से नीचे आ जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, उसकी माँ किसी उसकी आंटी से बात कर रही होती है और वो कहती है कि तुम कहाँ थी? तो वो बस केवल मुस्कुरा देती है। Yes, you are right, her mother said so many things in our midst and the world outside, how can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often cannot understand it completely, can we? उसकी माँ कहती है कि हम हर चीज़ को नहीं समझ सकते, संसार में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब वो कहती है हाँ हाँ ऐसा ही है। तो फॉर जस्ट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ कहती है क्या
हाँ व्हाट इज़ दैट यू से, क्या तुम क्या कह रहे हो? फिर वो कहती है, हाँ वली कहती है, ओ आई वॉज जस्ट एग्रींग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। मैं उसी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि आप कह रहे हो कि हमें बहुत सारी चीज़ों का हमें पता ही नहीं चलता, हमारे पता चले ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सी इज, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू अवर कन्वर्सेशन। देखो किस तरह से हमारे बीच में आ रही है वो। जस्ट हम बात कर रहे हैं, दो लेडीज़ बात कर रही हैं, तो कैसे ये बीच में आ रही है? जस्ट एज दो शी वर ए ग्राउंड लेडी, जैसे एक बहुत बड़ी हो गई है। तो उसे टोक देती है, वाली स्माइल टू हर सेल्फ, उसे खुद पे हंसी आती है, अपने आप वो हंसती है। सी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वह नहीं चाहती कि वो क्यों हंस रही है ये उनको समझ में आ जाए। बट देन देयर वॉज एन मच चांस ऑफ देट वॉज देयर, क्या ऐसा हो सकता था? तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे सामने कि उन्हें उसकी स्माइल का पता ही ना चले कि वो क्यों मुस्कुरा रही है, क्योंकि वो बस की जर्नी करके आई है। तो ये एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जो बस की यात्रा करके आई है, और उसे काफ़ी बड़ा अनुभव भी हुआ है यहाँ पर। जो गाय मर जाती है उसके उसका जो उसे अनुभव हुआ है यहाँ पर, काफ़ी पूरी संसार की जो चीज़ है यानी मृत्यु जो है उसे उसने समझ लिया है, इसीलिए वो मुस्कुरा रही है, स्माइल दे रही है। लेकिन वो जो है ये नहीं चाहती है कि ये वो क्यों मुस्कुरा रही है, ये उनको समझ में आए, उसकी माँ को, साथ वाली जो आंटी है उनको। तो ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो बताया गया है कि देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि किसी को पता चल जाए कि वो क्यों मुस्कुरा रही है।